बिग बॉस बोले तो फीफाफूज और आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल बोझ। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बन गई है अब बिग बॉस 2020 के लिए, जहां पर हमें अलग 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 तरीके की बातें देखने को सुनने को मिल रही है। ऐसे में आपको बताना चाहता हूं कि कलर्स की तरफ से एक प्रोमो आउट किया गया और इस प्रोमो के अंदर बिग बॉस के 11वें सीजन की जो फर्स्ट रनर अप थी यानी कि हिना खान, वो क्यों आखिरकार डर गई और क्यों वो ऐसे इस तरीके का रिएक्शन दे बैठी, आइए बात करते हैं। हम सबको पता है हिना खान भी घर के अंदर चुनौती देने के लिए जाने वाली हैं, अलॉन्ग विद सिद्धार्थ शुक्ला ले लीजिए या गौहर खान ले लीजिए, और प्रिंस नरोला की भी बात आ रही थी। खैर, ये सारी बातों के बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो हिना खान जो है उनकी एंट्री करी जाती है, वो मस्त वो कंगना और राजकुमार राव का गाना है जो जजमेंटल है क्या, उसमें वो परफॉर्म कर रही है और फिर उसके बाद कहती है वो कि उन्हें डर नहीं लगता ये वो करके। फिर उसके बाद हिना खान को बिग बॉस के घर के अंदर ले जाता है, जहां पर एक दोस्तों बड़ा सा रूम है जहां पर अलग 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 मॉनिटर्स लगे हैं और उसमें हिना खान को उनका परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, जिसको देखकर वो दंग रह जाती हैं, शॉक रह जाती हैं कि आखिरकार दो दो मुस्टंडे आकर मुझे हिला नहीं सकते, हिला के दिखाओ। इस तरीके के उन्होंने अपने सीजन में बोला था जब वो एक टास्क आया था दोस्तों, और ऐसे में हिना खान उसी को देखकर चौंक जाती है और थर्रा उठती है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बाय गॉड अब देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का डोज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको क्या है कहना इस बारे में मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नया हूं चैनल में, थोड़ा सा सपोर्ट करें। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।